उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के बीच अब राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावड़ी भी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के लिए जिलों में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावड़ी आज आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी की जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके पश्चात आगरा में महानगर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये बहुत अच्छा है, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे समर्थकों का प्यार है कि उन्होंने अपनी जगह को कार्यालय के रूप में दे दिया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन साथियों ने इस कार्यालय को हमें चुनाव नहीं बल्कि पार्टी को चलाने के लिए दिया है। आगे आने कुछ दिनों में चुनाव आने वाले, किस तरह का एक नतीजा मिलेगा, जहाँ से संदेश जाएगा? बहुत अच्छा, आपको जो उम्मीद नहीं होगी उससे ज़्यादा हम कांग्रेस के पक्ष में यहाँ उम्मीद ला के तैयार करेंगे। मेरा नाम अजय भारती, कोष अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज आगरा में जो आगरा की जनता को और कांग्रेस की जनता को काफ़ी वर्षों से कांग्रेस कार्यालय की तलाश थी, तो आज उसका दिन समाप्त हो गया और आज एक शहर को कांग्रेस का कार्यालय घोषित हुआ, जिसका स्वागत करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आगरा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावड़ी जी और उनके समेत कई पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आज उनका स्वागत किया गया और बहुत धूमधड़ाके से उनका स्वागत किया।